हेलो एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग आर नाइन टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा, लेकर आई हूँ टीवी जगत की लेटेस्ट अपडेट। इन दिनों लोगों को बिग बॉस का बेसब्री से इंतजार है, तो देखिए बिग बॉस में इस बार क्या कुछ होने वाला है खास, क्योंकि इस बार बिग बॉस में एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है। तो कौन है वो नया मेहमान, देखिए टीवी तड़का में। बिग बॉस में इस बार कई सारे चेंजेस किए गए हैं, इनमें से एक है लोकेशन का चेंज होना। इससे पहले बिग बॉस के सभी सीजन मुंबई के लोनावला में शूट हुए थे, लेकिन इस बार मेकर्स ने शो की लोकेशन मुंबई में गोरेगांव के फिल्म सिटी में रखी है। वेन्यू में चेंजेस को लेकर सलमान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कपिल शर्मा शो में फिल्म वॉर का प्रमोशन करने पहुंचे टाइगर श्रॉफ ने गाना गाकर सभी को हैरान कर दिया है। टाइगर ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वो गाना गाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर टाइगर का ये सिंगिंग वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बिग बॉस में सेलेब्स के साथ साथ एक क्यूट मेहमान की भी एंट्री होगी। दरअसल इस बार बिग बॉस हाउस में क्यूट सा डॉग भी नजर आएगा, जिसका नाम फल्फी होगा। मेकर्स ने नया प्रोमो जारी कर इसका हिंट दिया है। प्रोमो में एक डॉग की झलक दिखाई गई है, जो कि बिग बॉस हाउस के अंदर जाता दिख रहा है। केबीसी में इस बार अमला रोहिया बतौर कर्मवीर कंटेस्टेंट्स नजर आएंगी। शो का प्रोमो वीडियो सामने आया है। उत्तर प्रदेश में जन्मी अमला राजस्थान के 518 से ज्यादा गांवों की किस्मत बदल चुकी है। अमला ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से काफी डैम बनाए, जिससे 2 लाख से ज्यादा लोगों की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की 2 को 1 साल पूरे हो गए हैं। कसौटी की टीम ने 1 साल पूरे होने की खुशी में जश्न मनाया, जिसके कई फोटोज और वीडियो सामने आए हैं। तो इस बार बिग बॉस में बहुत कुछ खास होने वाला है, पर जिस तरीके से बिग बॉस का एड्रेस चेंज कर दिया गया है, उससे सलमान खान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बिग बॉस को लेकर लेटेस्ट अपडेट मैं हमेशा लेकर आती रहूंगी, तब तक बने रहिए आर9 टीवी के साथ और देखते रहिए टीवी तड़का।